अकॉर्डिंग टू कायरा हमारी इस हैप्पी लाइफ में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे मशहूर और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में दीपिका ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। हालांकि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना उनके लिए भी आसान नहीं था। आज देखते ही देखते वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि दीपिका अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी लव लाइफ के कारण भी हमेशा सुर्खियां बटोरती आई हैं। दीपिका और रणवीर एक दूसरे के प्यार में थे और उन्होंने शादी भी कर ली है। हालांकि इससे पहले दीपिका रणबीर कपूर से प्यार करती थी और रणबीर भी उन्हें बेहद पसंद करते थे, मगर जब रणबीर की लाइफ में कटरीना की एंट्री हुई तब उन्होंने दीपिका को भुला दिया। अब ये बात अलग है कि दीपिका से अलग होने के बाद रणबीर ने कटरीना से भी अपना रिश्ता बहुत ही जल्द तोड़ दिया। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक रणबीर और दीपिका की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन दोनों को एक बार फिर से एक साथ देखा गया था। जब ये दोनों दोबारा एक दूसरे से मिले तब दीपिका काफी अजीब तरीके से रणबीर के गले लगी। हालांकि वो इस तरीके से रणबीर के गले क्यों लगी इसकी वजह तो हम नहीं जानते, मगर इतना तो तय है कि इन दोनों की ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। अब जाहिर सी बात है कि दीपिका पादुकोण जब अपने पुराने प्रेमी से इस तरीके से गले मिलेंगी तो इसकी चर्चा होना तो लाजमी है। हालांकि यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये दोनों ही काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे के सामने आए थे और एक दूसरे से मिले थे। एक फैशन कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें दीपिका और रणबीर दोनों को ही रैंप पर चलने के लिए आमंत्रित किया गया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।